तो साथियों, आज हम जुबेरगंज पशु मंडी में आए हैं। देखिए, हमारे साथ में एक व्यापारी भाई हैं, इन्होंने जुबेरगंज पशु मंडी में आकर के भैंस खरीदा है। तो थोड़ा सा हम ऐसे चलते चलते इनका जानकारी ले लेते हैं, भैंस कौन सी खरीदा, कितने में खरीदा है, तो और बाज़ार का क्या रूटीन है, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्या सुविधाएं दी जाती है, इसके बारे में भी इनसे हम पूछते हैं। तो भैया नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से आए आप? हम झांसी से आए हैं। झांसी से भैंस खरीदने के लिए? हाँ हाँ। अच्छा, जब बाज़ार में आप पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी? तो कई बार आए हैं। कई बार आए हैं तो बाज़ार में मालिक की तरफ से अच्छा यहाँ का वो है, रहता है व्यवस्था? यहाँ से क्या है, बस अपने फूटा पानी की व्यवस्था है। हाँ, और क्या है, लिखाई लेते हैं। अच्छा, लिखाई लेते हैं, मतलब कोई बेईमानी यहाँ नहीं? नहीं, बेईमानी वाला काम कोई? हाँ, चोरी चपाटी नहीं? नहीं, बेईमानी कोई नहीं। अच्छा, कोई बेईमानी नहीं। अच्छा, भैंस कहाँ से, कौन कौन सी है आपकी वहाँ से? भैंस उस तरफ से खरीदी है। हाँ, ये पूरी भैंस अपनी। अच्छा, थोड़ा सा लमसम हमें बता दीजिए, जैसे रेट यहाँ का जो रहता है, महंगा है कि बाज़ार महंगी है, सस्ती है? ठीक है, मीडियम है। मीडियम में है, आइए सस्ती है। थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा। ये भैंस लिया आपने यहाँ से? हाँ। इसको कितने में लिया आपने? और ये दो नंबर वाली? ये दूसरे की। अच्छा, ये वाली आपकी? अच्छा, इसको कितने में लिया? 65,000 की। 65 की। और ये वाली? ये 55 की। 55 की। अच्छा, सारी भैंस बच्चा दी हुई है? हाँ, पूरी बच्चे वाली। अच्छा, और ये वाली अगली भैंस? ये वाली 55 की। 55 की। थोड़ा आगे बढ़िए। तो देखिए, 60, 65, 55 यही रेट है यहाँ का। और इस भैंस के बारे में बहुत बताइए। ये खरीदी 60 की। अच्छा, ये 70,000 की है। अच्छा, ये 70 की। ये तो इस भैंस से हल्की है, फिर भी दाम ज़्यादा दे दिया आपने इसका। नहीं, ठीक है वो भी। अच्छा, और ये वाली? ये 70 की है। 70 की। अच्छा, आगे बढ़िए थोड़ा। और ये भैंस? ये 58 की। अच्छा, और ये जो बैठी है? ये 50 की। 50 की। उसके बाद ये गोल सींग वाली 55 की? वो 70 की है। 70 की। और उसके बाद? वो 55 की है। 55 की। अच्छा, ये सारी भैंस जो आपने 50, 55, 60 में लिया है, ये कितना दूध करने वाली भैंस है लगभग? दे देगी वही 9 लीटर, 10 लीटर, 8 लीटर। अच्छा, आप वहाँ ले जाकर बेचते हैं? अच्छा, रखते हैं अपने घर पे रख के। बहुत ही बढ़िया, आपका काम अच्छा है। तो कहने का मतलब, बाज़ार ठीक ठाक है, चोरी चमारी यहाँ पर छिनैती कुछ नहीं है, और अच्छे रेट में मिल भी जाती हैं, कोई खास महंगा नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ अगर कोई लेना चाहे, जाए और ख़रीदने के लिए, तो आपके यहाँ मिल जाएगी भैंस? हमेशा मिल जाएंगी? हाँ, मिल जाएगी। तो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9936 9936 34 34 73 26 73 26। तो अगर किसी भाई को इनके यहाँ जा कर के भैंस लेना हो, इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, और आपको इनके यहाँ भैंस मीडियम रेट की अच्छी भैंस मिल जाएगी। बने रहिए। जुबेरगंज पशु मंडी में एक भाई आए हैं, इन्होंने एक भैंस खरीदा है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भैया नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? एटा। एटा से। अच्छा, कितने भैंस खरीदा आपने? 7। 7 भैंस लिया है। तो थोड़ा इस भैंस के बारे में जानकारी दे, थोड़ा सा चला दीजिए, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, आइए। गाभिन है भैया? गाभिन। कब तक बच्चा करेगी? लगभग 12 रोज में। 12 दिन लेगी अभी बच्चा करने में। दोहला भी आंत में है? हाँ, दोहला। दांत में है कि नहीं? नहीं, दांत में नहीं। मिल गई? क्या रेट में लिया इसको? ये ली 90,000 में। सही सही एकदम बताना। पक्का 90,000 में? 90,000। एक रुपये में। कितना दूध करेगी? कम से कम 20 लीटर। 20 लीटर दोनों टाइम का करेगी। चलिए ठीक है। और दूसरी भैंस ये वाली है? अच्छा, इसके बारे में पकड़ाओ उन्हें आप ले। हाँ, ये भी भैंस बहुत ही बढ़िया है, इसके बारे में बताइए भैया थोड़ा। ये दूसरे ब्यांत में ये भी है? नहीं, ये तीसरा ब्यांत में। तीसरे ब्यांत में। ये कब तक बच्चा करेगी? ये भी ले जाएगी 15 रोज। 15 दिन जी। अच्छा, ये देखिए, अभी पूरा आर्डर आया नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया भैंस है। तो इसको कितने में लिया? 92 92 92 92,000। अच्छा, महंगा नहीं ले लिया? नहीं, महंगा, मतलब आपको लगा कि सही रेट हम दे रहे हैं, महंगा नहीं है। चलिए ठीक है। तो आप हमेशा आते हैं जी?
ये वहाँ ले जाकर बेचते हैं, अपना डेयरी फार्म है? बिकती है तो बिक जाती है, दूध गाड़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए फिर। 6379-6079-72। कितना? 6379-6079-72। चलिए ठीक है। और भैंस कहाँ पर बांधा आपने? चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये भैंस है भैया ने लिया है एटा से आकर के जुबेरगंज पशु मंडी में। दोनों भैंस बहुत ही बढ़िया हैं, बेहतरीन भैंस हैं। तो आज जुबेरगंज पशु मंडी में देखिए एक भाई आए हैं, कुछ भैंस लेकर आए हैं, इन्हीं से हम मिलते हैं, इनसे पूछते हैं। भैया घूमिए, इधर घूमिए। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। हमेशा भैंस लेकर आते हैं? जी जी। अच्छा, कितनी भैंस आज हैं आपके पास? 4-5 भैंस हैं। ये भैंस है आपकी? जी। अच्छा, बच्चा किया है? हाँ। क्या बच्चा है? नीचे पाड़ी है। पाड़ी है। कौथे ब्यांत में है ये? तीसरे पे। तीसरे में। तो क्या रेट इसका मांग रहे हैं? 1-10। 1-10। अगर कोई आता है तो कितने में छोड़ देंगे? 95 मिलेगा। 95 मिल जाएगा तो आप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली भैंस के बारे में बताइए। इसका 65,000। ये कौथे ब्यांत में है? ये चौथे पे। चौथे ब्यांत में है। अच्छा, और एक भैंस ये है, ये बच्चा किया है? एक अपना गाभिन है। कब तक बच्चा करेगी? 10 दिन में करेगी। 10 दिन में। तो इसका कितना मांग रहे हैं? 75,000। इसमें भी कुछ कम कर देंगे? कुछ कम कर देंगे इसमें? जी जी, बिल्कुल कम हो जाएगा। अच्छा, पीछे से थोड़ा दिखा देते हैं। ये देखिए गबिना है, 3 टन की है। अच्छा, 3 टन है इसकी। अरे वाह, ये देखिए। और 75,000, इसी का 75,000 भैया। और ये दूसरी वाली है, और उसके बाद ये भैंस भैया की सबसे बेहतरीन भैंस है, अच्छी भैंस, बड़े आर्डर की भैंस। बाट देखिए कितना मोटा मोटा है, बहुत ही बढ़िया। तो और कौन सी है भैया आपकी? सब यहाँ सपनी है सर। अच्छा है। तो दो वहाँ पे हैं, बगल में बाथरूम का है। अच्छा, ये वाली, ये भी भैंस इन्हीं की है। इसका भी आर्डर क्वालिटी देखिए, बहुत ही बढ़िया है। और ये भैंस भी, इसका दाम कितना है भैया? बताएंगे। अच्छा, बढ़िया भैंस है। इसका 15। क्या बच्चा क्या किया है? पाड़ा है। कब बच्चा किया? 6 दिन हुआ है। अच्छा, पाड़ा है। कितना दूध करेगी लगभग? 14 लीटर। और बहुत ही बढ़िया। और ये दूसरी वाली भैया, ये वाली, ये भी दूध देगी 14 किलो। अच्छा, ये भी बच्चा किया है? पाड़ी है। अरे वाह, क्या बात है। इसका कितना मांग रहे हैं? 95,000। कितने में दे देंगे अगर कोई आता है लेने? तो अब जितने में बिक जाए, कोई ग्राहक मिले तब बताया। अरे कुछ तब भी कुछ तो बताइए, कितने में छोड़ देंगे? 86,000 तक दे देंगे। 86 तक। बढ़िया भैंस है भैया की, और 86,000 में छोड़ देंगे। आर्डर क्वालिटी देखिए, बहुत ही बेहतरीन आर्डर। इसका भी आर्डर बहुत भारी है, बहुत ही अच्छी भैंस है। और भैया हमेशा भैंस लेकर आते हैं बाज़ार में, इनसे हम थोड़ा इनका मोबाइल नंबर जानते हैं। भैया मोबाइल नंबर बताइए अपना। बता दो। आप बताएंगे? 91-70 जी। 40-16-13। 40-16-13 जी। हर बाज़ार को आते हैं आप? जी जी। कहाँ से आते हैं? आते हैं हमारे घर गोरखपुर। गोरखपुर जी। अच्छा, गोरखपुर से हैं भैया। अगर किसी को भैंस चाहिए तो जो नंबर बताया इस पर फ़ोन कीजिए, और इनसे आकर मिलिए, आपको बढ़िया बढ़िया भैंस मिलेंगी। पशु मंडी में एक भैंस और आई है बिकने के लिए, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन कदकाठी बनावट की भैंस, और जानते हैं कब बच्चा करेगी। तो आपकी है बहू? अच्छा, बच्चा कब तक करेगी? बच्चा 10 दिन। 10 दिन में करेगी। आप कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। हर रविवार को आते हैं? जी जी। अच्छा, देखिए भैंस तो बहुत बढ़िया लेकर आए हैं भैया, बहुत ही शानदार। दांत में है बाबू? हाँ, 6 दांत में। अच्छा, कितना कीमत मांग रहे हैं? 88,000। अच्छा, हर बाज़ार को आते हैं आप भैंस लेकर? कितनी भैंस आज लाए थे? 5 भैंस। अगर कोई आपसे लेना चाहे, बाज़ार में आके संपर्क करना चाहे, तो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर बोलो, आप बोलो, इसी में हो जाएगा रिकॉर्ड। हाँ, 76-69-11। अच्छा ठीक है, तो इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। ये भैया
आजमगढ़ से आते हैं और अच्छी अच्छी भैंस लेकर आते हैं। इनसे संपर्क करके आप भैंस ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। बने रहिए, देखते रहिए।